यूज जगह जिस जय जगह पर मैं खड़ो छो एक धार जगह छ और नाम भी एक डालिक धार छ। हम ब्याह पर बटाना छो अब वो कहते हैं जी वो मनरेगा करो फला उसका फायदा क्या है कुछ भी नहीं है वो तो ऐसे पैसों की बर्बादी करना है। हाँ काम बांध का भी नहीं टो आको पर वही पटू भरी खाने दिया महानगर में जो आज प्रदूषण है स्थिति का सो शराबा वगैरह तो ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। भाई बड़ो दादा सियाणो नमस्कार म्यार नोच संदीप गुसाई और आज हम उत्तराखंड का जो पौड़ी गढ़वाल छे वे का उत्तरी मोंदारसू जो पट्टी छे यानी एकेश्वर ब्लॉक का डोबल गांव में आया छो डोबल गांव म्यारू ननिहाल यानी म्यारू नौनी गांव बीच नानी को और यखे कहानी क्या छे यो एक थोकदारो गांव छे एक गांव में करीब आठ एक गांव का अंडर में करीब आठ नौ गांव आंद छानी तो क्या छे यख बेटी बारियों की कहानी दाना सियाणों की कहानी कैसे ये को इतिहास और किस तरह से यू गांव बदले धीरे धीरे वे की कहानी हम आपसे पूरी ये वीडियो में बतौला। हमारा जो असली पहले गांव था वो था ये अपना मोंदाड़ी मोंदाड़ी है ना मोंदाड़ से पट्टी में तो वो गांव था ये पूरे गांव का हमारा तो वहां से फिर हमारे परदादा करीबन तो वहां मतलब उन्होंने एक भाई थोकदार थे वहाँ मोंदाड़ी के तो दो तीन भाई थे तो ये एक भाई को फिर गवर्नमेंट ने फिर यहाँ शिफ्ट किया डोबल यहाँ रहते थे पहले डोबाल ब्राह्मण डोबल में तो फिर उन्होंने यहाँ उनको दे दिया डोबाल उनको वो चले गए आगे डोबाल गांव जो है इसी करके इसका गांव का नाम डोबल पड़ा तो वो डोबाल फिर वहाँ चले गए और उसके बाद वहाँ थोकदारी गांव था वहाँ यहाँ भी थोकदारी यहाँ हमारे मतलब दादाजी परदादाजी मतलब थोकदार थे उसके बाद उनको यहाँ नौ गांव मिले थे नौ थोकदार तो मतलब एक हो गया ना तो उनके नौ गांव थे केसरपुर बग्याली का है कुछ नाव का है कुछ देदार का है ऊपर देदार भी है कठोली के है मूंग है अमूठा है मतलब इधर के गांव नौ थे मतलब एक नौ गांव का पुला है। झंडा कपड़ा कुछ शुद्ध लगाए छिन यार पता तो मुझे कि रोज जेते लेकिन पहले गांव था कि उसमें कोई रोजगार नहीं था कुछ नहीं था केवल खेती पे ही निर्भर थे सब कुछ गांव लोगों ने अपने पूरे परिवार खेती से ही मतलब पालन किया शिक्षा जो भी हो सकती थी वो किया धीरे 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 करीबन तीन दशक पहले से खेती ख़त्म हो गई। इसका मेन कारण है जंगलों में पशुओं का अतिक्रमण खेती का अतिक्रमण मतलब पहले सुअर नहीं होते थे बंदर नहीं होते थे लेकिन जब से लोगों ने धीरे धीरे खेती कम की तो उनकी संख्या बढ़ गई। 16 साल में यार ब्याह हो गया छाए 19 साल का उछाया उबर बटे हम खेती करना छो और आज में 75 साल हो गए अभी तक में खे काम ही करूँ छो किले की आप पूरा कौन तो कानी कान जा साग साग बड़ी आप खेती तो कोई नहीं करूँ जानवर खत्म कह दिया पर वो सगो साग सगो हम करने लगे छो लहसुन प्याज सिक्यापदी आप मरचा लगाई छे ना और लगली बुती छे ना शिमला मिर्च लगाई छे ना अभी हमारे सगड़ी फोटो भी दीजे
शुरू कर दो आप एक कहानी बचपन बड़े आप गाँव का बुआ बचपन पटिया सोल से होता ना 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 निकलना है निकलना फिकर निकल पटिया सोल से गाँव वाड़ है 15 साल में यार ब्याह है सो वन लग चाहिए मार्च में और तब वो ब्याह हो गया है और वो बमनी छाड़ी यार मर एक बहन सामी और एक भाई वो बड़ी भर्ती हुआ चाहे और ये ननील तेर चाल बाजू में ब्याह कह दिया है कह ले ननील ये या का अच्छा ब्याह कह दिया है और वही वो बबनी और भाई बनिया ये के भाई ना अत ये ब्याह हुआ है और ये की लोड़ में और ब्याह हो गया सो है बुबा और से ब्याह हो गया तो ये कहा जो तो डो ब्याह हो गया हाँ तो और क्या बोना रोजगार उसमें बिल्कुल थे ही नहीं है ना था नहीं तो उसमें क्या करते थे लोग खेती पर्याप्त मात्रा में होती थी अपने खेत थे पशु थे पशुधन से ही मतलब अपना जैसे कि दूध घी वगैरह वगैरह था है ना और इसी से ही साधन होता था और जब क्या था कि बाजार नहीं थे तो यहाँ से एक दूर कोटद्वार तक की यात्रा होती थी जो हम सुनते आए हैं कि लोग ज़्यादा उसको बोलते ढांगर ढांगर का मतलब होता है कि अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों का सामान लाना जैसे कि उसे मुख्यतः जैसे नमक कपड़े साबुन जिसका उत्पादन हम यहाँ पर नहीं कर सकते थे गाँव पूरा मतलब बन गया था काफ़ी हमारे तो अब जब हमारे टाइम पे जब हम पैदा हुए मतलब उसके बाद यहाँ 120 125 40-50 उनके थे 70-80 हमारे मतलब थे तो मतलब 125 रहते थे तो उसके बाद फिर अब उस समय तो नौकरी नहीं थी लोग ज़्यादातर गांव में बहुत कम थे गांव में नौकर कुछ नहीं उसमें होता था तो सब खेती बाड़ी का काम करते नीचे से लेके नदी के से लेकर ऊपर बग्याली तक उधर कठोली तक तुम्हारे नाव एक कठोली तक पूरा पूरी खेती होती थी। दाल गैत सूटा मरचा क्वादू झुंगरू सटी ये तो ऊन सा डो बोलो हम सारो मिंड तक भी नहीं छाड़ो पर क्वाद लगा है इत कब तक का खिनी हूँ रोल जो डोब जा रात हम छाचा और रात हम पैन चलो जा पाता लगे रेन छाया ये शहर बटे कर वे शहर और वे शहर बटे कर सैन आ सैन एक हम दुई लोड़ बागल दौड़ो सैन बटे और 8 बजे हम डर पहुँच गए आ दोबारा फिर 10 बज गो आ फिर 10 बज जा कुल्या का लिया कर 2 बजे हम डर हो तू तो आप बहुत प्यार दिया बहुत खेती वो कार काम से बान छाए हाँ काम बान का भी नहीं टुआको पर वही पटू भरी खान नहीं दिया बलमेर बोरी चुके ले तो पटू भरी खानो के लिए दिया क्या या इन दियाया उन तो का निदे बोलो बचाकन गया छा हम पर या जन पका मन से बनाए जन कुटुंबदारी खून बनाए ना उन नि बनाए छ बुढ़े ना घर का दिन छाए खेती पाच से जे जा हम बुआ पूछ ले जी अन छाई भरी अन खाण ले जा सासुला बहुत खैर खा बुआ मुला पर अब खैरू निकल गया आप अरे बिटिया कोच बिटिया या हम नाती सुषमा बेटी नाती बिटिया आवा लोगों झाके देखा अपना ये गढ़वाल की तिलक लगावा ई माटी को
भारत का ये भाल की। नमो नमो गढ़ जननी, नमो नमो गढ़ जननी। उसका तो कुछ भी नहीं हो रहा, अब तो वो खेती तो ना के बराबर है। अब तो सिर्फ ये जो बगीचे ये वो है ना साग सगोड़े भाई इन्हीं के कर रहे हैं, बाकी तो कुछ भी नहीं है, बाकी खेती कुछ भी नहीं है। अब वो खाते जंगली जानवर। कारण क्या है? जंगली जानवर सोर आ गए, ये मोर आ गए, वो आ गए, सब मतलब वो बर्बाद कर देते हैं। नहीं तो, तो गवर्नमेंट को हमने कहा था भाई तुम तार बार करो कुछ खेती की ताकि उससे बचाव हो सके, तो गवर्नमेंट उस पर नहीं। अब वो कहते हैं जी वो मनरेगा करो फला, उसका फ़ायदा क्या है? कुछ भी नहीं है, वो तो ऐसे पैसों की बर्बादी करना है, दिहाड़ी लगाना है, और कुछ नहीं मतलब उसका, उससे फ़ायदा तो कुछ भी नहीं है। जब सड़क आ गई, हाईवे बन गया, तब इसके बाजार बनने लगे, जैसे मेन बाजार था सतपुली, फिर बना ये पाटी सैंध, अमोठा, पौड़ी, ये तो मुख्य लाइन पे थे। तो जब ये धीरे धीरे बाजार बनने लगे तब जीवन थोड़ा सा सरल हुआ, क्योंकि सामान के लिए अब वहाँ नहीं जाना पड़ता था। उसके बाद यहीं से जैसे पार्टीशन से ये अपना सामान ले आए, जो रोज़मर्रा की बहुत ही आवश्यक वस्तुएं हैं, जैसे जिनके बिना हमारा काम नहीं चलता था, तो उस पर हमारा ही काम चलता। जानवर उड़े नहीं लगे ना, उबे नहीं साइन, उबे नहीं साइन, कभी मिल मतलब आप सामान तो मिल एक एक सुंगुर दिया था गड़खिया तुपाल छाल बस झुंगरेट गण जहाँ जहाँ बेटी लगाना था दुई लोड़ी और वो दिया था मैं लोग और वो बटे आप इत का पैदावार है कि जो जंगली सारा वहाँ की ऊँ होगी जब पर बांदर नहीं छिया, बांदर नहीं छी तो हम जरा साग भूज तो खाना चो और कुछ नहीं तो साग भूज खाना चो और डेस्को तो साग भूज भी डेस्को तो ये पता भी नहीं चा। हमारा गौ कुकर भूक्यों च ब्योला को बोबा उबरा लो क्यों जा हे। हमारा गाँव, हमारा गाँव डाला बैठो गुणी ब्योला का बोबा तक लगे की सोनी है। हमारे दो तीन बैरे थे ना, आज ये फौज वो रिटायर हो गया, होटल में था बड़ो होटल, बाकी बच्चे दो लड़के भी वही थे। आप गांव में काम कम निकाल ना, मिल्क मिल तो कम बहुत कम का, बस सास ससुराल रह नहीं थे ना, तब मैं अभी नहीं रहा हूँ, तब दिल्ली गई था गया, तब बच्चा हो गई, तब वो कैर संभाल था। हाँ कैर नहीं पढ़ू का कोई पढ़ा है डोबल गांव की प्राथमिक विद्यालय छे जो 1958 में एक स्थापना हुई, और वे एक बात लगा लो कि जदगा भी अभी अफसर छिन फौजम छिन या टीचर छिन, आप सोचो कि किद का बच्चों ने यही चार दीवारी मा यही बरगदा पेड़ा ताल और इन्हीं बच्चों जन छोटा छोटा जो गीत लगाना छिन नौना उंगली बड़े पैड के और भैर गेन, तो जी भी नौने एक बड़े भैर नौकरी करना छिना वो कखी भी राल चाहे देश में या विदेश में, ये स्कूल और ये गाँव के बरगदा पेड़ और यू अग्नि पिने जू का पानी का धारा छीना या गदन चा या नौला छीना याद हमेशा आनी रहन होली। पहले बड़े बहुत कुछ बदल गया ही, और हो सके आज से 50 साल बाद फिर कुछ ना कुछ बदल रहे संसार नियम छ, लेकिन यूं बच्चों का आंखों में भी बहुत सपना छिन्ह और अपन गाँव को कुछ कर ला, अफसर बना ला, अपन गाँव का नाम रोशन कर ला,
भले ही बच्चों की संख्या कम चे लोग यखा का जो लोग छिनु भैर छिना उनका नाती पोता या बच्चा भैर पब्लिक स्कूल में पढ़ना छिना, लेकिन पढ़े तो सब जगह एक ही जन होनी छे, कुछ ज्यादा अंतर नहीं छे। पब्लिक स्कूल में पढ़े थोड़ा अंतर वालू जरूर, लेकिन जो किताबी ज्ञान छे वो गुरु जी उन्हें दिलाना छे, अग भी जो बेसिक ज्ञान छे और वक भी एक ही जन दिलाना छे। बाबा की बार तेरु जनो चुथान ओ वनी चोराखी ते देशा कुमान जय बदरी की बार जय बदरी की बार। देव भूमि बोदान इको नर नारायण वास च पार्वती को मैत यखीच शिव जी को कैलाश च देवी हर देवतों को भी यख हर पर्वत परवास च तपो भूमि ऋषियों की इच सबको यो विश्वास च गंगा जमुना धौली काली शान छन गढ़वाल की हो तिलक लगावा ई माटी को। खैर आ गया है कर लिया ने ना ना लोग लोग ने ना अच्छा चलो पैंट पियाओ ठंडू ठंडू यू पंदर चो और ये की आस पास पूरी खेती चे पहले यू पंदर थोड़ा मत चाई और पुरान जो गोमुख बने रहे पूछा है लेकिन अब पैंट थोड़ा ताला गया अब यख यू पूरा सीमेंट लगाई चाह थोड़ा एक हम डूंगा लगाए ची मथी और ये एक मथी भी सारी च ये एक ताल भी सारी च और ये का ताल थोड़ा दूरी पर है सड़क च गाँव तक सड़क पहुँच गया ही बिजली च 4G सुविधा च पुराना लोग अपना जो जो गांव का लोग ची अपना मकान थे उन ठीक कर लिया लगभग सभी परिवार वाला कुछ परिवार वाला जो पूरी तरीके से कि दिल्ली या महानगरों में या दूसरों शहरों में बस गई। अब गांव में जब भी कोई भी पुराना आदमी मानना चाहे तो सबसे पहले पानी दिखा चाहेगी पानी का खमचा और वे एक हिसाब से उन अपना खेत तैयार करना गाँव बसाई और डोबल गाँव जन सब आस पास का सब भी गाँव जो धारम बसया पूर्व एक रिच च और रिच तरफ जो गांव बस ऐसी और सबसे जो अच्छी भूमि च वहाँ माओ का खेत बनाया थी और खेती बहुत अच्छे बदलाव तो है गया लेकिन फिर भी कुछ लोग जो गाँव का छे थोड़ा बहुत खेती करना चाहिए। अब कारण आप समझ रहे छो कि जो सब गाँव में जंगली जानवरों को किदगा आतंक है आतंक किदगा कि मोर तक आ गई ना चोला जड़ाऊ हिरन गुलदार सुअर बहुत जानवर जानवर छे कि लुक कहीं दिख रही जन गाँव में बकरा नहीं दिखे ना चलता छीन उन्नी जानवर आना रहने जरा पानी पी लेंगे उससे बता खेत तुम उनको खेती कराते चारों तरफ से तार वार लगाते अब उनको पैसे देते हैं जी अपने आप मजदूरी भी उनको मिलती और काम भी होता और खेती भी हो जाती लेकिन उसके तरफ वो किसी का ध्यान है ही नहीं। जानवर बढ़े कैसे पहले कम क्यों थे पहले बहुत कम पहले थे नहीं शिकार होता था इसलिए कम थे शिकार होता था नहीं शिकार हाँ शिकार भी उस समय कर देते शिकार भी कर देते थे पहले लेकिन वो कभी एक आध आया तो कभी मतलब ऐसे और उधर से उस गांव ने भगाया उसने भगाया फिर यहाँ आ गया यहाँ आके फिर लोग उसके पीछे पड़ जाते थे फिर मारी देते थे। जंगली जानवर हाँ भी जान दिखे दिना सुंगुर जो काखड़
मोर मार्च लगाए रहा चाह मर मार्च जमा नहीं रखना छे घाम लगी पसीने आणो ये कपड़े पहना छे का बणा छो आप लोग हम ब्याड़ पर बटाना छो मंडे का काम मंडे का काम ना जलागम हां तो आप लोग सब घर ही रहंदा आप घर ही रहंदा बस घर ही रहंदा 27 साल होएगी अच्छा मतलब ब्याह करया ना तो घर ही रहंदो बच्चा भेर ने हां बच्चा भेर ने तो आप नहीं जा सकते बच्चा दगड़ भेर दगड़ थोड़ा बढ़िया छे घर ना घरम बढ़िया छ हमारा क्या बढ़िया छ मला पर हवा पानी खाणु पीणु सब बढ़िया छ काम काज घूमरेन छई न तो डालम आवा के पैदल मी तो डालम मी तो बिल्कुल डालम आपड़ा आपड़ा औज लांद छ आपड़ी औज कपड़ी सिलदा छ बिलोज पैसा नहीं लीन जाऊ नारी दीन छ आर डाल पाल जिम लाना छ जब दुआर बाट हो तो दून कांडी लेख भी आंदा छाव हमार दगड़ और आज आज दिन पर तो सी लड्डू पकड़ा देना या पहल तो आर सपक द छाया है ना और सत्ता विपक द वाला दाम तो फिर भी लोग पक अब उत का ऊ नीच जत का पहल छाव उत का नहीं आप लेकिन बुजुर्ग बुढ़ासी की ज्यादा काम मुका ना छिन अब एक पीढ़ी चो नहीं करनी मतलब आप लोग निकल दो काम जो तो उनका है हां मतलब खेत नहीं रही ना अगर खेत हो तो हमल भी करण छ अरे बहुत सारा गांव सब खेती छ और सब जबरदस्त खेती अलग से हम तो सरकार बट मिलियो चपड़ा से यार अलग से सरकार दियो तो थोक दरी में हमारे ससुर जी से ना और खेती वो जबरदस्त खेती 10 बोरी से ज्यादा मर सटी होना चाहे उत्ती की उखड़ तो लुक चले ज्यादा उत्ती की तल सारी मल सारी कक से गाड़ा छालते हैं क्यों से वो खो पर काम करना को हमें बहुत मरकट चाहे ना काम करना को काम खोब कर खूब खाना चाहिए माँ बाप को और के चाहिए बुआ और फिर और आठ ही खाने जा आर्मी को बुआ एक पेंशन चाहिए जा तुम भी सके चाहिए सब खुश सब खुश हो मैं बोलता हूँ भगवान परासन रहे इन्हीं और सब दिया इन्हीं और सब जिंदगी तो इन्हीं का है पर कोई बात नहीं उम्र रख ठीक हूँ बुआ अब बुढ़ापा कौन मन पसंद का खाना है पकाना है मिल तो कग पार जरा दस बात करना सीखे आंजी स्कूल में जान छी आता हो गया भूला माल बाल ये पकड़ बाल तो तू किस कॉल क्या करना थी पर दस का तो सी क्या चाहिए जरा से बहुत से तो अच्छा है कर कुछ करें कोई तभी तो अच्छा है बाकी तो ठीक है अभी काफ़ी लोग गांव आ रहे हैं मकान बना रहे हैं अच्छा हो गया काफ़ी हो गया लेकिन अब ये है कि मतलब खेती का जो जहाँ तक है खेती वो तब हो सकती है कि अगर उसकी तारबंदी घेरबंदी उसकी हो जाए डोबलगा उत्तरी मोंदार से हूँ जो पट्टी छ वहाँ मच बसी हूँ और यू परगना चौंदकोट परगना यू पूरा इलाका जो यहाँ में एक रोड छ चौंदकोट जनशक्ति मार्ग जो सतपुली बड़े शुरू हुंद और अग्नि ज्वालपा देवी बड़े भी शुरू हुंद तो हमारे जो पूर्वज छीन ऊ लिए सड़क बना छ डोबलगा जो ऊंचाई छ समुतल से लगभग एक हज़ार मीटर और श्यारा छीन यू का पुंगड़ा छीन मत्थीसारी छ हवा भी ठीक है धारम गाँव बसी हूँ छ चारों तरफ यू जो जंगल छ यू भूमि संरक्षण सिविल एवं भूमि संरक्षण मतलब डेंस फॉरेस्ट नहीं छ झाड़ी छिन जो अलग अलग डाल वाटर छिन यानी जो बायोडाइवर्सिटी छ उदगर रिच नहीं जन
खिरसु जने जेला आप लैंस दोन जने या शिवालिक जने फिर भी यक जंगली जानवरों को कमी नहीं बल्कि उनसे भी ज़्यादा जंगली जानवर यक छिन। और पट्टी उत्तरी मोंदार से हूँ फिर अग्नि वे के बाद समिण असवाल से हूँ वे का पैथर जो गुरा अग्नि गुराड़ से हूँ अलग अलग पट्टी छी ये इलाका में। तो समुतल से 1000 मीटर जो ऊंचाई छे बहुत ज़्यादा भी नहीं छे और बहुत कम भी नहीं छे। ये का ताल बड़े जानी छे कोटद्वार बड़े की जो पौड़ी नेशनल हाईवे छे जो मेरठ बड़े की और पौड़ी जान साल पहले थे हाँ। वही जानवर हैं या कुछ नए जानवरों ने अभी नए जानवर आ गए हैं नए भी आ गए अभी जैसे ये गाय वो मोर भी आ गए अरे जंगली एक गाय भी आ गई क्या ना है जी ये मृग मृग आ गए ये तो ये भी बर्बाद पहले नहीं थे पहले तो मतलब पहले सूअर था पहले सुअर भी नहीं थे यहाँ सुअर कभी एक आध आ गया तो उसको लोग वैसे ही मार देते थे हाँ बाघ थे पहले और वो भी दूसरे बाघ ये जो ये वो है ना गुलदार ये अब आए हैं पहले टाइगर से हमारे हम बचपन में स्कूल जाते थे रास्ते में जाते थे डर जाता था ऐसे ही सामने आ जाता था डर जाता कभी मतलब कोई नहीं मतलब ऐसे नहीं होता था वो है ना खेल के खेल था बचपन में हम तो बाटी खेलता था या कबड्डी भी खेलता था या गिल डंडा भी खेलता था या इच रस्सी कूद का भी ख्याल पर इच दूची खेलता था या और बट्टी और गिल डंडा जब गोरम ने था सैन और जान हम अब मैं जाना था ना ब्याह हुए के तो एक दा हम दुई दा हम फागना मैंने पकाना ढूंगला फागना सारी और जो रूड़ी जाना था तो दुई दा हम जेटा मैंने पकाना ढूंगला सारी जानो लोड़ी लोड़ बेटमेटी एक एक डिबलन दाल जाने सब उल्कट्ठा खाना रो लाइन लगा के। इस गांव में खासियत हमारे गांव में ये है कि बहुत पहले से हमारे गांव में एकजुटता रहती है कोई भी कार्य जो होता है कोई भी फंक्शन होता है तो उसमें सारे चाहे कोई बाहर भी हो शहरों में हो तो मतलब करीबन करीबन सब गांव में आ जाते हैं इसमें है। और ये पलायन का सिलसिला तब से शुरू हुआ जब से रोजगार के साधन बढ़े जैसे आर्मी में हो पुलिस हो फोर्स हो फिर इधर जो है जब जैसे शिक्षा का असर बढ़ता गया जैसे स्कूल खुले लोगों ने पढ़ाई की कुछ प्राइवेट पढ़ा उसके बाद उनको रोजगार हुआ तो फिर उन्होंने क्योंकि यहाँ पर रोजगार है नहीं सुलभ नहीं है कुछ नहीं है बहुत कम रोजगार है तो इसका मुख्य कारण है कि लोग पलायन करते गए जाते गए और कुछ लोग वहाँ वहीं परमानेंट बस गए। छिड़ी वावा जनती का लोगों देखण द्यावा धिया को दुलैया देखण द्यावा धिया को दुलैया जान दूनी छौमी पचण दूनी छौमी कह देण धूली अरग कह देण शंख की पूजा। डोबल गांव मतलब जो हमारा सबसे छोटा मामा जी छाई ऊकनी धन हो गया और वो एक कहानी भी इतना दर्दनाक छाई और इसका गुस्सा परिवार थे आई कि उठे पीले एक शिकायत चाहिए और सुमित्रा जो हॉस्पिटल छे सेक्टर 33 नोएडा वो की लापरवाही की वजह से कि वो डेथ हुआ है और नोनी की ब्याह चाहिए नवंबर में। अब सोचो परिवार में कदगा हमारे पूर्व परिवार में कदगा आक्रोश कदगा दुख यू समय छे जदगा लोग दगड़ बात कर रही हूँ पुराण वर्तमान पूर्व अंतर समझा दिया हमते कि पहल कंछाई गाँव में दीदी भूली बेटी बुआरी दाना सयाना जितगा भी लोग छाई कदगा मिलजुली है कि और कदगा मेहनत से कि पूरी सारी उत है कि जो तले सारी मले सारी सबूत है कि वो कि बांझ नहीं छुड़ा चाहे सब आबाद चाहे
मतलब डोबल गाँव की खेती चे कि आस पास इलाकों में भी एक नाम चाहे कि डोबल गाँव कितना मेहनत ची जितना भी और गाँव भी खेती ची लेकिन डोबल गाँव का एक पूरी उत्तरी मोदार चू में सबसे ज्यादा खेती चाहे। दगड़ियों डोबल गाँव को इतिहास से लेके पुरानी छुई बता बेटी बुआरी और जो हमारे दाणे सेण थे सब वो दगड़ छुई बता लगा कि अब हमार समय हो गया कि हम ये गांव से विदा लूला। और ये जो कोशिश हम मिलका पहल दाऊ कि जो एपिसोड ये पूरी कहानी हम गड़बली बढ़ाए ताकि जो हमारी बोली छे वो माँ बातचीत करे कि और भी करीब से हम कई भी गाँव कई भी इलाका के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटा सको। कोशिश कर ला फिर एक दुई बीड़ा भविष्य में या और भी ज़्यादा जब हम पौड़ी की सीरीज बनौला तो गड़बली में छुई बता लगौला। बहरा के लोग भले ही ये वीडियो समझ में नहीं आवलू लेकिन हम कुछ वीडियो अपन गड़बली भाषा में भी बनाने की कोशिश अग्ने भी करता रहला। फिलहाल संदीप गुसाई से इजाज़त दीवा और हमार सफर अग्ने भी जारी रहलू। जय नंदा जय हिमालय।